सत्कारयोग स्टेज पर बैठे हुए आगू साहबान पंडाल दे विच बैठे हुए हैं सत्कारयोग भैणां बच्चियां ते किसान वीरों सब तो पहला फतेह अर्ज करदा बुलाओ गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग किसान वीरों मैं आप जी दे नाल एक अदालती केस ते जिहड़ी मौजूदा केंद्र सरकार है जिहड़े ये काले कानून बनाए ने ते जो मोदी हुण कह रहा है जिस तरह के ये किसानां दे हित विच ने ते जिहड़ा उसका तोता ते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो बोल रहा है उहदे संबंध विच उसनू एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की कापी होनी है। तो पर मैनू इस दे संबंध में बहुत सारे सज्जनों के फोन आए ने जिस तरह के हरियाणा ते छत्तीसगढ़ तो कि ये जो केस है इसको हिंदी में बोलो। इस वास्ते मैं कोशिश करांगा कि ये जड़ी केस ते जड़ी तोमर दे गल चल रही है तोमर कह रहा है कि इन्हों तो बगैर कोई होर गल करनी चाहती हो तो करो। सो उस संबंध में मैं को आप जी का समा लेना है। मैं सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो के कभी कोई बयान देते हैं कभी कुछ बयान देते हैं, उन्होंने दो तीन दिन पहले कहा कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कानून है जो हमने ये कृषि कानून बनाए हैं इनके बगैर कोई भी बात और करनी चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी तो पूछना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी आप ये बताओ कि आप पहले हमारी बात जितनी बार भी आपसे हुई उस वक्त आप मान गए थे कि ये कृषि कानून जो हमने बनाए इनमें आप जो भी संशोधन कराना चाहते हो करा लो। आज फिर कहते हो कि इनके बगैर और कुछ भी बात करनी चाहते हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी, मेरे से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए लेकिन दुखी मन से कई बार ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जो स्टेज पर माइक पर खड़े होके बोलने के समय जो अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका दिमाग ठीक है? जो बात आप पहले मान चुके हो कि ये खाली डब्बा हमारे को दे दो, इसमें से सब कुछ निकाल दो, आज वो कानून फिर कैसे अच्छे हो गए, उन पर बात क्यों नहीं? तो हमारी तो सीधी सी बात है कि हम ये तीनों कानून कृषि विरोधी जो कानून बनाए हैं ये रद्द करवा के ही जाएंगे, MSP लागू कराएंगे। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि गन्ना कास्त करते जितने भी गन्ना कास्त कर रहे हैं ये अपना गन्ना जब मील में जाके तुलवा देते हैं तो कानून के मुताबिक ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर खांड मिल ने गन्ने की पेमेंट किसान को करनी है। जेकर 14 दिन के अंदर अंदर किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती तो फिर 15 दिन के बाद 15% ब्याज है और जो 14 दिन की छूट है वो भी खत्म। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011-12 से लेकर
लगातार हमारी संस्था लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी हाई कोर्ट में इस केस को लेकर जा रही है। और मैंने जब 2012 में केस किया तो उस वक्त मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनको 15% ब्याज समेत पेमेंट की जाए। उस वक्त 93 करोड़ रुपए पंजाब का बकाया था केवल सहकारी मिलों पर, तो वो हमें ब्याज समेत पैसा मिला। और हमारे को आदेश किया कि आगे तुमने कोर्ट में आना है तो 1 महीने का सरकार को नोटिस देकर आना है। इसी तरह 12 और 13 के सीजन में 400 करोड़ बकाया था, हमने नोटिस दिया पूरी पेमेंट होगी लेकिन ब्याज नहीं मिला। इसी तरह 13 और 14 के सीजन में वो भी 450 करोड़ रुपया था, हमने नोटिस दिया पेमेंट होगी ब्याज नहीं मिला। साल आ गया 14 और 15 का, 14-15 के सीजन में 850 करोड़ के करीब पंजाब की जो सहकारी व प्राइवेट मिले हैं इनकी तरफ बकाया था किसानों का, और 870 करोड़ रुपए हरियाणा की मिलों का था। मैंने दोनों प्रदेशों का जो केस था हाई कोर्ट में डाल दिया क्योंकि हमारी हाई कोर्ट एक है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद वो पेमेंट तो हमारे को हो गई लेकिन ब्याज नहीं मिला, वो केस चलता रहा। 16-15-16 का सीजन आ गया, 700 करोड़ बकाया था वो भी नहीं मिला। केस करने के बाद पेमेंट होगी ब्याज नहीं मिला। 16-17 का सीजन आ गया, वो भी 700 करोड़ रुपया वो नहीं मिला, कोर्ट केस किया पेमेंट होगी ब्याज नहीं मिला। लेकिन 26/9/17 को ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और डबल बेंच ने ये फैसला किया कि ये बताओ कि 14-15, 15-16 और 16-17 के जो ये तीनों सीजन है इनमें किसानों को जो लेट पेमेंट की गई उस पर कितना ब्याज बनता है। वो ब्याज सहकारी मिलों की तरफ 45 करोड़ बना, जबकि सहकारी मिलें 30% गन्ना पीटती हैं और जो प्राइवेट मिलें वो 70% गन्ना पीटती हैं। आप अंदाजा लगाओ कि जब सरकारी मिलों ने जो अपना हिसाब किताब दिया वो 45 करोड़ रुपया केवल ब्याज ब्याज का। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि प्राइवेट मिलों ने हाई कोर्ट के ऑर्डरों की परवाह ना करते हुए और पंजाब सरकार की तरफ से हर मिल को समय समय पर जो पत्थर निकाले गए वो कम से कम 20 पत्थर हैं जो पंजाब सरकार ने प्राइवेट मिलों को पत्थर निकाले कि तुमने जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उन ऑर्डरों के मुताबिक आपने आज तक जो आपकी तरफ ब्याज बनता है वो साफ नहीं दिया, इसलिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि 26/9/17 के ऑर्डर होने के बावजूद प्राइवेट मिलों ने आज तक उस ब्याज का हिसाब किताब नहीं दिया। अब विचारने वाली बात यह है कि जेकर प्राइवेट मिलों ने जो गन्ना मिले हैं उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डरों के मुताबिक आज तक उसका हिसाब नहीं दिया, तो जो नए कानून इस मोदी सरकार ने बनाए हैं और जो मोदी का तोता
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोलता है कि इन कानूनों के अलावा कोई और बात करनी है तो कर लो। मैं उस मोदी के तोते से यह पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह यह बताओ कि जो नए कानून तुमने बनाए हैं उसके मुताबिक जो प्राइवेट कंपनी है, जो तुमने सरकारी मंडियां खत्म कर दी और प्राइवेट अदारे जो किसानों की फसल खरीदेंगे तो वो पैसे नहीं देते, तो हमारे को तो केवल एसडीएम तो उसके बाद जीसी के पास ही जाने का अधिकार है। तो जो लोग ये जो मिल मालिक हैं, ये कारपोरेट जो कारखाने, जो अमानी अडानी बिरला टाटा जो वर्ल्ड के व्यापारी आ रहे हैं उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। सो जेकर चीनी मिलों वाले आज तक हाई कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए उसका हिसाब नहीं दे रहे तो ये एसडीएम और डीसी की क्या परवाह करेंगे। मैं ये एक बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि आजकल जो एसडीएम और डीसी लगे हुए हैं, अरे ये तो इनके तले चाटे झाड़ू फेरने वाले, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं स्टेज पे बोल रहा हूं, जेकर ये बात गलत हो, मैं कुछ आदमियों को छोड़कर कुछ डीसी कुछ एसडीएम कोई ईमानदार हो सकते हैं, बहुगिनती एसडीएम और डीसी इन लोगों के झाड़ू प्रदार हैं। इनके आगे अबानियों अडानी की अबानियों अडानियों के आगे इनकी क्या औकात है कि यह हमारे को इंसाफ दिला देंगे। सो मैं तोमर से पूछना चाहता हूं कि तोमर जी, जेकर तुम्हारी सरकार के पंजाब सरकार ने जो के पहले बादल सरकार थी उससे लेकर आज की कैप्टन सरकार ने जितनी भी चिट्ठियां निकाली हैं उन चिट्ठियों के कहने के पर आज तक अमल नहीं किया तो तुम्हारे एसडीएम डीसी क्या करेंगे। इसलिए ये तुमने जो कानून बनाए हैं ये काले हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। एक बात और कहूंगा, जितने भी देशवासी हैं मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई ये जो कानून है ये केवल किसानों के विरुद्ध नहीं है, ये जो सभी वर्ग हैं उनके खिलाफ है। और हम ये चाहते हैं जेकर हमने सरकार से समझौता करना होता, जो सरकार आज भी कह रही है, सरकार को भी चेतावनी है कि ऐसी बातें मत करो, हमारे जख्मों के ऊपर नमक मत छिड़को। और देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो हम संघर्ष को लेके जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जेकर ये कानून रद्द ना किए तो आने वाले समयों में जैसे इन्होंने जीएसटी लागू किया, नोटबंदी की, 370 धारा तोड़ी, लेबर कानून रद्द किए और आगे आगे क्या करेंगे। आप देखा कुछ दिन पहले डॉक्टरों की हड़ताल और किन किन लोगों की हड़ताल है, सब लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, इनकी जान को रो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कानून रद्द कराने के लिए देश के सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हमने जो किसानों ने समझौता करना होता तो हम इसमें संशोधन करके चले जाते, लेकिन जो केंद्र सरकार ने जो इनके अधिकार क्षेत्र में कानून रद्द करने, इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो प्रदेश हैं सूबे हैं जो उनके कानूनों के ऊपर उनके हकों के ऊपर इन्होंने डाका डाला है, तो फिर यह बात मानी जानी थी कि केंद्र सरकार कभी भी जो प्रदेश को अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को खत्म करके ये कभी भी कोई फैसला कर सकते हैं। इसलिए हम ये कानून रद्द करा के ही जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि सभी देश के लोग इस आंदोलन में स्वीकृत करें, आप भी सम्मिलित करें और हम ये कानून रद्द करा कर ही यहाँ से
जाएंगे, वो भी लोग हमारे साथ साथ दें। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हुआ, और जो फूल जी ने जो कबड्डी नौजवान की जो निर्दयी लोगों ने जो उसकी मौत की है, और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार, ये पंजाब सरकार जब पड़ी थी इसने हाथ में गुरबाणी के गुटके लेकर कसम खाई थी कि मेरी सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ। हम इतने दिनों में जो है नशे बंद कर देंगे। अरे नशे तो बंद नहीं हुए, नशों के खिलाफ आवाज उठाने के वालों की तो आपने, जिन लोगों ने कत्ल किया और तरसा तरसा के उस आदमी को मारा, उस तक आज तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। इतनी बेशर्मी की बात पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए है। इन लोगों को चप्पड़ी में नाक डुबा लेना चाहिए, चप्पड़ी में। अरे शर्म करो देश के हुक्मरानों, आज नशे वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और जो कारपोरेट कराने और जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर फूट पा रहे हैं, और जो धर्म के नाम पर आपकी लोगों की जो दसों नौ की कमाई है वो लूट रहे हैं, उनके बारे में अच्छी तरह आप जानते हो, जिनके खिलाफ मैंने धरना भी लगाया था और मेरे को धमकियां भी आ रही। अरे मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे खिलाफ और भी बहुत सारे केस आ गए हैं, जो आप लोगों ने मृतक लोगों की जमीन भी रजिस्ट्री करवा ली। याद रखना कि हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं हैं। आखिर में केंद्र सरकार को यह चेतावनी है कि ये कानून रद्द कराने के बगैर हम नहीं जाएंगे, और तोमर ये बोलना बंद कर दे कि इन कानूनों के बगैर और कोई बात है करनी है। अरे हमने कौन से, हमने अपने बेटों के तुम्हारे साथ रिश्ते करने के लिए नहीं आए। हमारे बेटों के रिश्ते तो हो जाएंगे, लेकिन हम कानून रद्द कराने के लिए आए हैं। ये काले कानून रद्द करा कर ही जाएंगे। और जो गोदी मीडिया सोशल मीडिया के खिलाफ जैसे आवाज उठा रहा है, उनके खिलाफ मानहानि के केस कर रहा है, करोड़ों रुपए के उनके खिलाफ हर्जाने के केस कर रहा है, गोदी मीडिया तेरे को भी बता देंगे, कुछ ही दिनों में तुम्हारे को भी सख्त कहा जाएगा। इतनी बातें करता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, बलाव फतेह, फतेह उस गुरु की है जिसने इस जुल्म के खिलाफ अपने पिता का बलिदान देकर उस वक्त मुगलिया हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, अपना बलिदान दिया, और उस वक्त जो मजलूम था वो हिंदू था और उनके धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। उनके फतेह गुरु गोविंद सिंह की फतेह का जवाब जोश खरोश से देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।